हेलो दोस्तों, वेलकम टू टाइम द आइटनरी। इस वीडियो में मैं आपको ले चलूँगा महाबलेश्वर और पंचगनी। इसमें मैं आपको बताऊँगा हम लोगों ने महाबलेश्वर और पंचगनी में कौन कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस एक्सप्लोर की थी। साथ ही मैं आपको अपना ट्रिप प्लान भी बताऊँगा जिसकी मदद से आप लोग कम से कम समय में ज़्यादा टूरिस्ट प्लेसेस कवर कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, पंचगनी से महाबलेश्वर आते समय ज़्यादातर टूरिस्ट प्लेसेस आपको रास्ते में ही पड़ती हैं एक के बाद एक, और अगर आपकी ट्रिप आइटनरी सही नहीं है तो आपका ज़्यादातर समय ट्रैवलिंग में निकल जाएगा। इसलिए मैं आपको सारी टूरिस्ट प्लेसेस मैप के जरिए बताता रहूँगा और साथ ही मैं अपने कुछ सजेशन भी आपके साथ शेयर करूँगा जो प्रॉब्लम्स मैंने ट्रिप में फेस की थी, ताकि आप अपना ट्रिप अच्छे से प्लान कर सकें। और वीडियो के अंत में मैं अपना टूर प्लान विद बजट भी आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा सफ़र। दोस्तों, महाबलेश्वर तक पहुँचने का सफ़र हम लोगों ने हैदराबाद से शुरू किया था। हैदराबाद के नामपल्ली रेलवे स्टेशन तक हम लोग मेट्रो रेल में आ गए थे, जो रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने ही है। और ये सफ़र मैंने अपने एक मित्र के साथ तय किया था, जिसके साथ मैंने कर्नाटका गोवा ट्रिप भी किया था। वीडियो आप चैनल में देख सकते हैं। महाबलेश्वर तक पहुंचने के लिए हम लोग पहले पुणे रेलवे स्टेशन तक ट्रेन से चले गए थे और वहां से हम लोगों ने टू व्हीलर हायर कर ली थी। हैदराबाद रेलवे स्टेशन तक हम लोग रात के 8 बजे तक पहुँच गए थे और हमारी ट्रेन पुणे की रात के 8:35 को थी। दोस्तों, एक्चुअली हमारी जो ट्रेन थी वो एग्जैक्टली पुणे रेलवे स्टेशन तक नहीं थी, बल्कि उससे कुछ 7 किलोमीटर पहले स्टेशन एक पड़ता है हदाबसर, वहाँ तक थी। क्योंकि दोस्तों, हमारा ट्रिप प्लान लास्ट मिनट में बना था, उसकी वजह से हमें पुणे तक किसी भी ट्रेन में सीट अवेलेबल नहीं मिली, और इस ट्रेन हैदराबाद टू हदाबसर में सीट अवेलेबल थी तो हम लोगों ने इसी में बुकिंग करा ली थी। इस ट्रेन का ओरिजिन पॉइंट हैदराबाद रेलवे स्टेशन है और एंडिंग पॉइंट हदाबसर रेलवे स्टेशन है। हमारी ट्रेन का डिपार्चर हैदराबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 से था और जो अपने शेड्यूल टाइम 8:35 को स्टेशन से निकल दी थी। ट्रेन शुरू होने के बाद हम लोगों ने डिनर कर लिया था और सोने चले गए। इस ट्रेन का हदाबसर पहुंचने का समय सुबह के 10:50 पे है और ट्रेन अपने शेड्यूल टाइम पे चल रही थी। ट्रेन में स्नैक्स और चाय पीते हुए हम लोगों ने हमारा सफ़र जारी रखा और ट्रेन अपने शेड्यूल टाइम 10:50 पे हदाबसर रेलवे स्टेशन पहुँच गई थी। ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आई थी और हमें फुट ओवर ब्रिज चढ़ के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जाना था। दोस्तों, ट्रेन में क्राउड काफ़ी ज़्यादा था, देखते देखते सारा प्लेटफॉर्म लोगों से भर गया। यहाँ से बाहर निकल के हमें पुणे रेलवे स्टेशन तक जाना था, क्योंकि वहीं पे हमारी बाइक रेंटल की बुकिंग थी। दोस्तों, यहाँ एक मज़ेदार बात यह हुई, जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे लखनऊ वीकली एक्सप्रेस निकली जो पुणे रेलवे स्टेशन जा रही थी। ट्रेन कुछ 10 सेकंड के लिए यहाँ पे रुकी थी और हम लोग ट्रेन में चढ़ गए। वैसे तो इस ट्रेन का ऑफिशियल स्टॉपेज यहाँ पे था नहीं, लेकिन दोस्तों, किस्मत की बात थी, हमें ये ट्रेन मिल गई। इस प्रकार इस ट्रेन का मिलना काफ़ी मज़ेदार था दोस्तों हमारे लिए, और लगेज कम होने के कारण हम लोग जल्दी से ट्रेन में चढ़ भी गए थे। खैर, ये खूबसूरत सफ़र तय करते हुए कुछ 15 से 20 मिनट में हम लोग पुणे जंक्शन पहुँच गए थे। पुणे स्टेशन पहुँचते हमें सुबह के 11:30 हो गए थे और हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे आई थी। ट्रेन से उतर के हम लोग पहले प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर चल दिए थे। हम लोग रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में ही रिफ्रेश हो गए थे और ये नज़ारे पुणे रेलवे स्टेशन के फ्रंट साइड के हैं। यहाँ रेलवे स्टेशन के सामने आपको काफ़ी सारे खाने पीने के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, जिनकी प्राइस रेंज कुछ इस प्रकार होती है। यहाँ हम लोगों ने वड़ा पाव लिया था। यहाँ से फिर हम लोग boom.com के ऑफिस चल दिए, जो रेलवे स्टेशन के पीछे की तरफ था, जिसका डिस्टेंस रेलवे स्टेशन के फ्रंट साइड से 900 मीटर है। कुछ 15-20 मिनट में हम लोग उनके बाइक पिकअप लोकेशन पहुँच गए थे, जो कि रूबी हॉस्पिटल के पास थी। वहाँ पहुँचने पर कुछ 10 मिनट में उनका एजेंट गाड़ी लेके आ गया था। यहाँ से आगे का सफ़र हम लोगों ने इस पे तय किया था। इस लोकेशन के बगल में ही पेट्रोल पंप था, वहाँ से हम लोगों ने गाड़ी में पेट्रोल भरा लिया था और यहाँ से हमारा महाबलेश्वर तक पहुँचने का सफ़र शुरू हुआ। लंच करने के लिए हम लोग राजू संकल छोले भटूरे चले गए थे, जिसका डिस्टेंस कुछ 13 किलोमीटर था बूंग बाइक से। यहाँ के छोले भटूरे काफ़ी फेमस है दोस्तों, और काफ़ी रीजनेबल रेट में, 100 रुपीज़ पर प्लेट। यहाँ आने से पहले हम लोगों ने नेट पर रिसर्च करके पता लगा लिया था। कुछ आधे घंटे में लंच फिनिश करके 2:30 तक हम वहाँ से निकल गए। पुणे से महाबलेश्वर तक की जो रोड्स हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छी हैं, इन्हें काफ़ी अच्छा मेंटेन किया गया है। पुणे रेलवे स्टेशन से कुछ 20 किलोमीटर चलने पे हमें ये काटरास टनल भी दिखी थी दोस्तों। ये टनल कुछ 1.2 किलोमीटर लंबी है और इसकी ओपनिंग दिसंबर 2006 में हुई थी। यहाँ से गुजरते समय काफ़ी मज़ा आ रहा था। वैसे तो पुणे रेलवे स्टेशन से महाबलेश्वर मार्केट का डिस्टेंस कुछ 117 किलोमीटर है, लेकिन रोड्स अच्छी होने के कारण ये सफ़र हमारा आराम से कट गया था। और देखते ही देखते हम लोग सह्याद्री माउंटेन रेंज में आ गए थे और यहीं से हमारा महाबलेश्वर पंचगनी टूरिस्ट स्पॉट्स देखना शुरू हुआ। दोस्तों, महाबलेश्वर और पंचगनी में आप ये सारी टूरिस्ट प्लेस देख सकते हैं। आते समय पहले पंचगनी पड़ता है, वहाँ पे आप ये सारी टूरिस्ट प्लेस कवर कर सकते हैं जो एक के बाद एक आपको रास्ते में ही पड़ेंगी, और महाबलेश्वर में आप ये सारी टॉप टूरिस्ट प्लेसेस देख सकते हैं, जिनकी डिटेल्स मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगा। दोस्तों, बेसिकली महाबलेश्वर की टूरिस्ट प्लेसेस 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो पंचगनी का पार्ट और दूसरा महाबलेश्वर का पार्ट।
इसके अलावा अगर आपके पास समय है तो आप प्रतापगढ़ फोर्ट भी देख सकते हैं और नीचे तपोला लेक भी देख सकते हैं, जिसे मिनी कश्मीर कहते हैं। पंचगनी में एंटर होते ही पहले हम लोग हैरिसन फॉली पॉइंट चले गए थे। दोस्तों, ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आप पैराग्लाइडिंग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। पैराग्लाइडिंग में आपको कुछ 3 से 5 मिनट तक वो घुमाएंगे और जिसका कॉस्ट कुछ 4,000 रुपये पर हेड होता है। और उसके अलावा यहाँ के प्राकृतिक नज़ारे काफ़ी सुंदर होते हैं। इस पॉइंट से आप लेफ्ट साइड पंचगनी के नज़ारे देख सकते हैं और राइट साइड वाई के नज़ारे देख सकते हैं। दोस्तों, महाबलेश्वर और पंचगनी अपने व्यू पॉइंट्स के लिए काफ़ी फेमस है और मज़ेदार बात यह है आपको हर व्यू पॉइंट से अलग अलग नज़ारे दिखेंगे। यहाँ से हम नेक्स्ट पारसी पॉइंट चल दिए। एक्चुअली प्लान के हिसाब से हमें सिडनी पॉइंट जाना था, लेकिन सुबह देर से स्टार्ट होने के कारण हम लोगों ने वो पॉइंट फिर वापसी में कवर करने का प्लान किया। दोस्तों, ये पारसी पॉइंट भी यहाँ का एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ से आप कृष्णा रिवर के नज़ारे देख सकते हैं वैली में, और यहाँ धोम डैम देख सकते हैं जो कृष्णा रिवर पर बनाया गया है। कृष्णा रिवर इंडिया की 3rd longest रिवर है और इसका ओरिजिन पॉइंट महाबलेश्वर में है। शाम के 6:15 को हम लोग यहाँ से निकल गए थे और हमारे होटल की ओर चल दिए, जो महाबलेश्वर मेन मार्केट में था। वीकेंड होने के कारण यहाँ पे कुछ 5 से 6 किलोमीटर लंबी ट्रैफिक की लाइन भी थी, और हमारे जैसे कि टू व्हीलर थी तो हमें ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं थी। हमारे होटल की बुकिंग होटल श्री कृपा में कराई थी, जो मेन मार्केट के पास ही है। रास्ते में वेना लेक के पास स्नैक्स करते हुए हम लोग होटल रात के 8 बजे तक पहुँच गए थे। दोस्तों, होटल के नज़ारे कुछ ऐसे थे, एक छोटा होटल था लेकिन हमारे 2 दिन के स्टे में हमें कोई दिक्कत हुई नहीं थी। होटल में टीवी था लेकिन वो चल नहीं रहा था, गीज़र रूम में था नहीं लेकिन सुबह वो लोग गर्म पानी का अरेंजमेंट कर देते हैं, और यहाँ पे वाईफाई भी था। होटल में कुछ देर आराम करने के बाद हम लोग मार्केट देखने चल दिए थे गाड़ी पे। यहाँ की मार्केट रात के 10:30-11 बजे तक बंद हो जाती है। यहाँ डिनर करके हम लोग वापस हमारे होटल की ओर चल दिए। यहाँ पे हमारा दूसरा दिन समाप्त हुआ। दोस्तों, अगले दिन सुबह की शुरुआत गरम गरम चाय के साथ की थी, और हमारे होटल की खिड़की से नज़ारे कुछ ऐसे दिख रहे थे। सुबह के 8:40 तक हम लोग रेडी हो गए थे और यहाँ से हमने महाबलेश्वर घूमने का सफ़र शुरू किया। अक्टूबर के महीने में यहाँ ठंड सिर्फ सनसेट के बाद ही थी। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग वेना लेक चले गए थे, जो कुछ 2.6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। ये एक मैनमेड लेक है और यहाँ पे आप बोटिंग भी कर सकते हैं सनसेट तक। यहाँ पे बोटिंग 2 तरह की होती है, जिनके चार्जेस कुछ इस प्रकार हैं। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट गेट्स पॉइंट चले गए थे, जिसका डिस्टेंस 4.6 किलोमीटर है। इस लोकेशन में टोटल 3 पॉइंट्स है जहाँ से आप धूम लेक और कृष्णा वैली के शानदार नज़ारे देख सकते हैं। यहाँ एंटर होते पहले आपको इको पॉइंट दिख जाएगा, जहाँ से नज़ारे कुछ ऐसे दिखते हैं। इसी के पास में जो दूसरा पॉइंट है वो केट्स पॉइंट है, जहाँ से आप वैली के लेफ्ट साइड से लेकर राइट साइड तक के नज़ारे देख सकते हैं। इस पॉइंट का नाम अंग्रेज के समय में जो गवर्नर थे मैलकम, उनकी बेटी के नाम पे था, केट्स। और यहाँ का जो तीसरा पॉइंट है वो है नीडल्स होल व्यू पॉइंट, जिसे एलिफेंट हेड व्यू पॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से एक पहाड़ का जो स्ट्रक्चर है वो एलिफेंट हेड की तरह दिखता है, इसलिए उसे एलिफेंट हेड व्यू पॉइंट कहते हैं। और उसके बीच में जो छेद है वो नीडल्स होल की तरह है, इसलिए नीडल्स होल पॉइंट पड़ा। इसके ठीक ऊपर केट्स पॉइंट बना है। यहाँ से हम लोग फिर ओल्ड महाबलेश्वर चले गए टेम्पल्स देखने के लिए। यहाँ पे भी काफ़ी सारे मंदिर हैं दोस्तों, और हम लोग 3 मंदिर गए थे यहाँ पे। पहले हम लोगों ने अतिबलेश्वर मंदिर के दर्शन कर लिए थे। अतिबलेश्वर मंदिर देखने के बाद हम लोग उसके बगल में ही महाबलेश्वर मंदिर देखने चल दिए। दोस्तों, ये मंदिर भगवान शिव जी का है, जिसकी मान्यता 12 ज्योतिर्लिंग से भी ज़्यादा मानी जाती है। इसका कंस्ट्रक्शन कुछ 16th century में हुआ था। यहाँ से हम उसके पास में ही पंचगंगा मंदिर देखने चल दिए। इस जगह का नाम पंचगंगा इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे 5 नदियाँ आके मिलती हैं, जिनका नाम है गायत्री, सावित्री, कोयना, कृष्णा और वेना नदी। ये 5 नदियाँ मिलकर सामने नदी के मुख से निकलती हैं, जिसे गौमुखी कहते हैं। ये पानी काफ़ी पवित्र होता है और इसे काफ़ी लोग बॉटल में ले जाते हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग फिर एल्फिस्टन पॉइंट देखने चले गए थे, जो लगभग 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था। दोस्तों, ये पॉइंट भी काफ़ी खूबसूरत व्यू पॉइंट है, जिसका नाम उस जमाने के बॉम्बे के गवर्नर एम एल्फिस्टन पे रखा गया था। इस पॉइंट से आप लोग लेफ्ट साइड कोयना वैली के नज़ारे देख सकते हैं और राइट साइड सावित्री वैली के नज़ारे, और सामने की ओर प्रतापगढ़ फोर्ट दिखता है। यहाँ से नेक्स्ट हम लोग सावित्री पॉइंट चले गए थे, जो लगभग 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था। यहाँ से आप लोग सावित्री वैली के सुंदर नज़ारे देख सकते हैं, और यहीं सावित्री नदी का ओरिजिन पॉइंट है। ये नदी आगे जाके अरेबियन सी में मिल जाती है, और इस पॉइंट से कुछ 150 मीटर चलने पर आप लोग कैजल रॉक पॉइंट पहुँच जाएंगे। कैजल रॉक पॉइंट सावित्री पॉइंट से थोड़ी ऊँचाई पर है, और यहाँ से सावित्री वैली के नज़ारे शानदार दिखते हैं। कैजल रॉक पॉइंट से ही बाहर निकल के हम लोग फिर आर्थर सीट पॉइंट चल दिए, जो कुछ 600 मीटर के डिस्टेंस पे था। इस पॉइंट को क्वीन ऑफ ऑल पॉइंट्स कहते हैं। इस लोकेशन में आप लोग टोटल 6 पॉइंट देख सकते हैं। आइए देखते हैं एक के बाद एक। सबसे पहले आप हंटिंग पॉइंट देखेंगे, जहां ब्रिटिश के ऑफिसर्स जानवरों का शिकार किया करते थे। उससे आगे बढ़ने पर आपको इको पॉइंट दिखेगा, जहां अगर आप आवाज़ देते हैं तो 3 सेकंड बाद आपकी आवाज़ आपको ही सुनाई देगी। उससे आगे बढ़ने पर आपको विंडो पॉइंट दिखेगा, जहां से नज़ारे काफ़ी सुंदर दिखते हैं। उसी के बगल में मेलकम पॉइंट है, जो एक ज़माने में अंग्रेज़ के गवर्नर थे। यहाँ से कुछ देर आगे चलने पे आप लोग टाइगर स्प्रिंग पॉइंट देख सकते हैं।
दोस्तों इस पॉइंट पे एक नेचुरल स्प्रिंग है जहाँ का पानी काफ़ी साफ होता है। काफ़ी समय पहले यहाँ पे जंगल के शेर और बाकी जानवर पानी पीने आते थे। यहाँ से आगे बढ़ने पे आप लोग आर्थर सीट पॉइंट देख सकते हैं। दोस्तों ये पॉइंट महाबलेश्वर का सबसे बेस्ट व्यू पॉइंट है, जिसका नाम यहाँ के अंग्रेज़ों के ज़माने के गवर्नर सर जॉर्ज आर्थर पे पड़ा था। यहाँ से आपको नीचे सावित्री नदी के नज़ारे भी दिखेंगे। कहते हैं यहाँ सर जॉर्ज आर्थर काफ़ी समय बैठा करते थे और सावित्री नदी को देखते थे। यहाँ के शानदार नज़ारे देख के हम लोग नेक्स्ट लॉडविक पॉइंट चल दिए, जो कुछ 14 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था। इस पॉइंट पे आने के लिए आपको महाबलेश्वर मंदिर होते हुए आना पड़ेगा। इस लोकेशन में आप लोग दो पॉइंट्स देख सकते हैं, एक लॉडविक पॉइंट, दूसरा एलिफेंट हेड पॉइंट। लॉडविक पॉइंट पे आपको बीच में एक पोल दिखेगा जो ब्रिटिश के जनरल लॉडविक के याद में बनाया गया था, जो ये लोकेशन पहाड़ चढ़ के पहुँचे थे। और यहाँ से आगे बढ़ने पे आप लोग एलिफेंट हेड पॉइंट पहुँच जाएंगे। ये महाबलेश्वर का दूसरा एलिफेंट हेड पॉइंट है, पहला वाला केट्स पॉइंट के पास था। यहाँ से राइट साइड आप लोग एल्फिस्टन पॉइंट देख सकते हैं और बीच में कोयना वैली, और सामने आपको प्रतापगढ़ फोर्ट भी दिख जाएगा। इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए आपको 800 मीटर चलना पड़ता है, जिसे देखकर मुझे मेरे मसूरी ट्रिप के जॉर्ज एवरेस्ट की याद आ गई थी। वीडियो आप चैनल में देख सकते हैं। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट सनसेट पॉइंट की ओर चल दिए। दोस्तों एक्चुअली हमें जाना सनसेट पॉइंट था, लेकिन नेट प्रॉब्लम के कारण हम इस लोकेशन पर आ गए थे। लेकिन दोस्तों ये गलती भी काफ़ी खूबसूरत थी, यहाँ हमें एक शानदार वाटरफॉल दिखी। सनसेट होने में वैसे भी टाइम था, तो हम लोग यहाँ पर कुछ देर रुके और रिफ़्रेश हो गए, और शाम के 5:50 तक हम लोग सनसेट पॉइंट पहुँच गए थे। और देखते ही देखते कुछ 10 से 15 मिनट में सनसेट हो गया था। इस पॉइंट से आपको सामने प्रतापगढ़ फोर्ट भी दिखेगा, जो यहाँ से कुछ 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। यहाँ से हम हमारे होटल चल दिए, जो कुछ 3.2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था। होटल में कुछ देर आराम करने के बाद हम लोग फिर मार्केट एक्सप्लोर करने चल दिए। दोस्तों यहाँ की जो मेन मार्केट है उसका डिस्टेंस कुछ 400 मीटर है, पूनम चौक से लेकर आराम चौक तक। इस रोड में आपको खाने पीने के भी काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ की मार्केट रात के 10:30 से 11 बजे तक बंद हो जाती है। मार्केट एक्सप्लोर करके हम हमारे होटल आ गए थे और यहाँ हमारा तीसरा दिन समाप्त हुआ। अगले दिन सुबह उठ के हम लोग विल्सन सनराइज पॉइंट की ओर चल दिए, जो कुछ 2.3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था। दोस्तों ये पॉइंट थोड़ी ऊंचाई पे और यहाँ से नज़ारे काफ़ी शानदार होते हैं। इसी पॉइंट के पास में एक और व्यू पॉइंट है, वहाँ से भी आप नज़ारे देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ समय बिताने के बाद हम लोग वापस होटल की ओर चल दिए। होटल में फ्रेश अप होकर 9:30 तक हम लोगों ने उसे चेकआउट कर दिया था, और हम लोग मैप्रो गार्डन की ओर चल दिए, जिसका डिस्टेंस कुछ 11 किलोमीटर है। दोस्तों ये लोकेशन भी एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। ये एरिया अपनी स्ट्रॉबेरीज के लिए काफ़ी फेमस है। बेसिकली मैप्रो एक कंपनी है जिसका फुल फॉर्म है महाबलेश्वर प्रोडक्ट्स, जहाँ पे आप यहाँ के रीजनल प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। साथ ही आप इसी के अंदर एक गार्डन को देख सकते हैं, जो काफ़ी खूबसूरत है। इसके अलावा आप इसके अंदर रेस्टोरेंट भी देख सकते हैं, जो अपनी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम और सैंडविच के लिए काफ़ी फेमस है। और इसके आउटलेट में आप काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। यहाँ से आगे बढ़ने पे कुछ 4.5 किलोमीटर पे आपको भीलर वाटरफॉल व्यू पॉइंट दिखेगा, जो रोड पे ही है। यहाँ से हम फिर टेबल स्टैंड चल दिए, जो कुछ 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था। दोस्तों ये जगह भी एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, जहाँ पे आप पहाड़ के ऊपर एक बड़ा प्लेटू देख सकते हैं। ये प्लेटू एशिया का 2nd लार्जेस्ट प्लेटू है, तिब्बतन प्लेटू के बाद, और ऊंचाई के होने के कारण इसे टेबल स्टैंड का नाम पड़ा, जो कुछ 98 एकर्स में फैला हुआ है। यहाँ पे जो मेन स्पॉट्स आप लोग देख सकते हैं वो है पांडवा केव, नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं टाइगर्स केव, जो वहाँ से 200 मीटर के डिस्टेंस पे है। उसके बाद आप इस टेबल्स लैंड पर बनी लेक को देख सकते हैं, जिसके नज़ारे काफ़ी सुंदर हैं। और आखिरी में आप पांडावास के फुटप्रिंट देखते हुए बाहर आ सकते हैं। यहाँ से हम सिडनी पॉइंट चल दिए, जो कुछ 3.3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था। दोस्तों ये पॉइंट भी काफ़ी खूबसूरत व्यू पॉइंट है, जहाँ से आप कृष्णा वैली और धूम लेक के नज़ारे देख सकते हैं। इस पॉइंट का नाम ब्रिटिश के कमांडर इन चीफ के नाम पर पड़ा। और यहाँ दोस्तों हमारा महाबलेश्वर और पंचगनी का सफ़र समाप्त हुआ। हम लोग वापस पुणे की ओर चल दिए। यहाँ से पुणे रेलवे स्टेशन का डिस्टेंस कुछ 100 किलोमीटर है। पुणे में बाइक रिटर्न करके हम लोग हैदराबाद तक बस में चले गए थे। इस बस का पिकअप पॉइंट पुणे रेलवे स्टेशन के पास ही था, जो शाम को 7:30 बजे निकली थी। रात के कुछ 9:30 बजे हम लोगों ने हाईवे पर डिनर कर लिया था, और पुणे से हैदराबाद का 560 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करते हुए हम लोग सुबह 6 बजे हैदराबाद पहुँच गए थे। हैदराबाद में इस बस का लास्ट स्टॉप लकड़ी का पुल के पास था, जो हैदराबाद रेलवे स्टेशन के पास है। और यहाँ पे हमारा महाबलेश्वर पंचगनी का सफ़र समाप्त हुआ। दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था, ये रहा मेरे ट्रिप का टूर प्लान और ये रहा ट्रिप का बजट। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। दोस्तों मैंने महाबलेश्वर और पंचगनी के अलग से डिटेल वीडियो भी बनाए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।